हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सुबह 7 बजे उठ के नहा धो के सारा काम कर लिया। आप देखिए कि आज मेरे घर में जो नारायण पूजा है तो उसके लिए मैं तैयारी कर चुकी हूँ। ब्राह्मण जी अभी आए नहीं है, आएंगे थोड़ी देर बाद। तो आप देख सकते हो मैंने सारा फ्रूट्स वगैरह काट लिया है विष्णु जी के लिए। विष्णु जी अभी आएंगे, पंडित जी लेके आएंगे उनको, जो शिला होता है ना विष्णु जी का शिला, वो। तो मैं नहा धो के घर का पूजा दे दिया है। बाहर पेचकी का मम्मी और मेरा पापा ऐसे बातें कर रहे हैं। और सुबह के 9:30 बज गया था और मुझे इतना ज़्यादा भूख लग रहा था, पंडित जी नहीं आए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रोटी और बैगन का जो फ्राई है वो खा लेती हूँ। तो खाने के बाद 10:30 बजे लगभग पंडित जी आए और उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। और वो नारायण शिला, मतलब जो विष्णु जी का शिला होता है उसको क्या बोलते हैं नाम, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, तो वो शिला का पूजा हो रहा है। तो जो पंडित जी है वो मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं। तो हमारे घर में ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है, बस जो हमारे घर में किरायादार है और जो हमारे घर में काम चल रहा है ना मिस्त्री का, वो लोग ही इनवाइटेड है, मतलब। और बाहर का लोग हमने कोई इनवाइट नहीं किया, एकदम छोटा मोटा पूजा किया है बस। तो पंडित जी यहाँ पे मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं और मम्मी किचन में खिचड़ी बना रहे, सब्जी आलू फ्राई, और जो खीर है वो मैंने बनाया है। और जो भगवान के लिए खीर है ना वो पंडित जी बनाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो खीर बना के, इसमें अन्न होता है तो हम लोग तो कायस्थ है तो नहीं दे सकते पंडित के बगैर। तो पंडित जी बना रहे हैं खीर, ये भगवान को, श्री विष्णु जी को भूख लगेगा। तो आप देख सकते हो ये वाइट कलर का है, और मैंने जो घर में अलग से बनाया था ना खीर, उसमें मैंने वो दे दिया था लाल बतासा, तो ये कलर जो इसमें कलर आ गया ना, मतलब थोड़ा सा पिंक टाइप का, थोड़ा सा नहीं मतलब डार्क पिंक टाइप के कुछ ऑरेंज ऑरेंज कलर आ गया था, आप आगे देख पाओगे। तो फिर से पंडित जी मंत्र पढ़ने लग गए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा, 2-3 घंटा तक उन्होंने पूजा वगैरह किया, बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा किया। ज़्यादा हम लोग बड़े शरे से पूजा नहीं किया, मतलब छोटा मोटा ही किया, और लोगों को भी नहीं बुलाए यार, इतना मतलब बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है। और अभी ज़्यादा पापा के दुकान में बहुत सारा मतलब काम भी नहीं था इतना, तो बाहर आप देखोगे कि पेचकी और पेचकी का जो पापा है वो दोनों बात कर रहे, आपस में खेल रहे, तो मैंने शूट कर लिया है। और हमारे घर में हवन होगा, पंडित जी हवन का तैयारी कर रहे, आप देख सकते हो लकड़ियाँ वगैरह, आम का जो लकड़ी है ये सब, और एक होता है पाट का लकड़ी, तो उसको भी अच्छे से हवन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पंडित जी। और थोड़ी देर बाद जो घंटी बजाना पड़ता है ये वो, तो अकेले वीडियो शूट करना और सारा काम अकेले हाथ से करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था मुझे, फिर भी मैं टाइम निकाल निकाल के काम के बीच बीच में मैं वीडियो शूट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि काम भी करना पड़ रहा था और व्लॉग भी बनाना पड़ रहा था सब कुछ। और आप लोगों को तो पता ही है मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं कि मुझे हेल्प करेगी, और पेचकी तो क्या करेगी, वो छोटी है, वो ज़्यादा काम वाम करती नहीं है। तो मैं और मम्मी सारा कुछ काम वाम किए, तो सुबह जल्दी जल्दी उठ गए थे, 6:30-7 बजे के लगभग हम उठ गए थे। तो हवन का मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित जी, आप देख सकते हो, मतलब पूजा जो हुआ ना बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब घर में पूजा वगैरह होता है तो काफ़ी ज़्यादा मन अच्छा भी लगता है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हवन की जो मंत्र है वो पढ़ रहे हैं पंडित जी। तो आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ और मैं पूरा थक गई हूँ, क्या बताओ यार, इतना काम करना पड़ता है यार घर पे, मतलब कोई त्यौहार वगैरह हो, कोई फेस्टिवल हो तो काम तो करना पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जी और आलू का फ्राई मम्मी बना चुके हैं, और अभी दोपहर का 12 बज चुका है। तो हमारा पूजा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं खीर बना रही हूँ, आप देख लो। और यहाँ पे देख सकते हो मैं खीर बना रही हूँ अलग से, और यहाँ पे खिचड़ी बन रहा है, गर्म है, तो मैं थोड़ा सा इसको दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो रुके थोड़ा सा बनने दे, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए ये बन के तैयार हो चुके हैं, इसको बस अभी तड़का लगाना है, मैं इसको चला के दिखा रही हूँ। और ये जो हमारा खीर है वो भी बन के तैयार हो चुका है लगभग। तो इसमें हम इलायची दिया है, तेज़पत्ता दिया है, और मैंने गलती कर दिया है इसमें, मैंने ना दालचीनी दे दिया है, दालचीनी होता है ना एक दालचीनी जैसा काट का टुकड़ा, वो मैंने दे दिया, और इसका स्मेल इतना गंदा आ रहा था। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लाल बतासा दे दिया है कलर के लिए, काफ़ी सुंदर कलर आता है और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन दालचीनी देके ना मैंने इसका टेस्ट ही बिगाड़ दिया है, क्या बोलो।
तो उसके बाद खीर बनके भी तैयार हो चुका है। अब खिचड़ी पे तड़का लगेगा। तड़के वाला वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक हाथ से वीडियो पकड़ने यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो तड़का लग चुका है, मम्मी इसको मतलब वो कर रहे हैं, आप देख सकते हो इसको चला रहे हैं। और खीर भी बन के तैयार हो चुका है। अभी दोपहर का 2:30 बज चुका है। तो अभी खाने के लिए मतलब मैंने बुलाया पिचकी को, तो पिचकी यहाँ पे मोबाइल भी देख रही है और खाना भी खा रही है, खिचड़ी सब्जी और प्रसाद वगैरह ये सब कुछ। उसके बाद जो मिस्त्री है काम वाम कर रहा था हमारे घर में, वो भी खाना खा रहे हैं। और फिर बाद में मेरा मम्मी और जो पिचकी का मम्मी है वो भी खाना खा रहे थे, और स्टूडेंट लोगों को भी मैंने दिया है शाम को। तो आज के व्लॉग में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।